देखो ये पहला चैप्टर 14.1 चैप्टर था, उसका सॉल्यूशन है गिव टाइप एग्जांपल ऑफ डेटा यू हैव कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। पहला क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सब हम बता चुके थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, नंबर ऑफ फैन इन योर स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर होम्स इन लास्ट 2 ईयर, इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द टेलीविजन और न्यूज पेपर, लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम द एजुकेशनल सर्वे। लिटरेसी रेट मतलब क्या होता है, साक्षरता दर, कितना पढ़े हुए पढ़े लिखे लोग रहते हैं आपके एरिया में, उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का डाटा है। तो ये हो गया 14.1 एक्सरसाइज का पहला का एग्जाम्पल। दूसरा का क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा बताना था। प्राइमरी डाटा का डेफिनेशन क्या है, वेन द इंफॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड बाई इन्वेस्टिगेटर हर सेल्फ और हिम सेल्फ विथ ए डिफिनिट ऑब्जेक्टिव इन इन हर और हिज माइंड, द डाटा ऑब्टेन इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। मतलब किसी खास मकसद से, जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिटरेसी रेट अपने एरिया का जानने के लिए, मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हमारे एरिया में हैं, उसके लिए तुम गिनती कर रहे हो, तो और तुम खुद जाके फील्ड में कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा कहलाएगा। लेकिन वही लिटरेसी रेट को तुम अखबार में प्रकाशित कर दिए कि मतलब पटना का लिटरेसी रेट 90% है, मतलब 100 में 90 आदमी यहाँ पे पढ़ा लिखा है, और वो दिल्ली का आदमी वो पेपर को पढ़ा और उससे कोई पूछा कि पटना का लिटरेसी रेट कितना है, तो वो 90% बता दिया, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा। वेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर फ्रॉम ए सोर्स विच ऑलरेडी हैड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, मतलब क्या है, न्यूज में देख लिया, कहीं टीवी पर देख लिया, कहीं लिखा हुआ देख लिया और उसको वो बता दिया, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। समझ गया ना, जैसे देखिए ये पहला में जो 5 वो एग्जाम्पल दिया है, उसमें पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा क्या है, प्राइमरी डाटा, और सेकेंडरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा इलेक्शन रिजल्ट टेलीविजन और न्यूज पेपर पर हम लोग देखते हैं ना, तो टेलीविजन और न्यूज पेपर वाला तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो सेकेंडरी डाटा है। लिटरेसी रेट फिगर ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्वे किया था और उसको हमको सेकेंडरी में कलेक्ट करना है, तो फोर्थ और फिफ्थ क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो पूछो जल्दी, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको दिक्कत होगा जरूर, हमको लगता है कि चलिए तो आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया दिया हुआ था इसमें ज़्यादा। अब ये देखो पहला क्वेश्चन इसमें का बताओ, तुम लोग तो बनाए नहीं होगे एक को क्वेश्चन, इसमें का एक भी क्वेश्चन तो बनाए नहीं ना होगे भाई। पहला क्या था, ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, अब इसको क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये डाटा को पूरा को गिनोगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये ब्लड ग्रुप दिया हुआ है पर्सन का, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप 9 गो का है, बी ब्लड ग्रुप 6 गो का है, ओ ब्लड ग्रुप 12 गो का है, ए बी ब्लड ग्रुप 3 गो का है, टोटल जोड़ के 30 है, तो इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं वो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया इसका नाम, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था, एंड विच इज द रेयरेस्ट, रेयरेस्ट मतलब क्या है, जो सबसे कम है, सबसे कम है ब्लड ग्रुप, और मोस्ट कॉमन मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ओ है, तो मोस्ट कॉमन क्या हो गया, मोस्ट कॉमन हो गया ओ, और रेयरेस्ट क्या हो गया, रेयरेस्ट ए बी ग्रुप का वो ब्लड ग्रुप, समझ गया ना, इस वाले डाटा के अनुसार। तो पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ये वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, दूसरा क्वेश्चन बनाओ तो तुम लोग खुद से बना के जल्दी स्क्रीनशॉट भेजा जाए। क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर 40 इंजीनियर्स फ्रॉम दियर रेसिडेंस टू द वर्क प्लेस वेयर फाउंड एज, जैसे कि ये वर्क प्लेस है, ठीक है, इसका ऑफिस हो गया, एक इंजीनियर रह रहा है 5 किलोमीटर की दूरी पर, एगो 3 किलोमीटर, उसी तरह से ये दिया हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करना है, 0 से इंटरवल 5 नॉट इंक्लूडेड, व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन,
इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में करना है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में मतलब कैसे करते थे, 0 से 4 करते थे, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, बस बन जाएगा। कि इसका हिंट दे दें, चलिए इसका हिंट को पहले दे देते हैं, उसके बाद तुम लोग बना लेना आसानी से। देखो 0 से 5 कै गो का इसमें, अब डाटा को तो बढ़िया से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 0 से 5 किलोमीटर पर कै गो इंजीनियर का घर स्थित है, तो 5 गो का टोटल है। एक ये आ जाएगा, एक ये आ, 5 को तो इंक्लूड नहीं करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 3 वाला आ जाएगा, 3 3 3 3 3, इसमें 2 वाला आ जाएगा, इसमें 3 वाला आ जाएगा, इसमें 3 वाला आ जाएगा, इसमें 2 वाला, तो 5 गो का टोटल था। तो टैली मार्क बताया था कि 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 लिख के इधर से काट देते हैं, तो ये टैली मार्क हो जाता है। फिर 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, तो देखो इसमें एक चीज और देखना है कि 0 से 5 हम लिखे ना, तो इसमें 5 को इंक्लूड नहीं करना था, उसी तरह से 5 से 10 लिखेगा तो इसमें 10 को इंक्लूड नहीं करना है, 10 से 15 में 15 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 0 से 5 में 5 इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि 5 को नेक्स्ट वाला में इसमें इंक्लूड कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले ये टेबल तो बन जाएगा आराम से गिन गिन के, इसको देख के, टैली मार्क इंपॉर्टेंट है कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, समझ गए। तो इसमें बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है क्वेश्चन को, जल्दी इसको करो। जल्दी इसको बनाओ 5 मिनट में। टैली मार्क की सब बढ़िया से देना है। मेरा एक क्वेश्चन है 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हम देखते हैं क्या है।
बन गया ना, तो चलिए ठीक है, तुम्हारा डाउट बता दिया जाए ना जी। रुक जाओ, लाइन पर हो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन ना। देखिए क्या बोला, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है। ए सी इज डायगोनल, ए सी एक प्रकार का डायगोनल है, तो प्रूव कीजिए। पहला क्या प्रूव कीजिए, प्रूव कीजिए जो एस आर है वो पैरेलल है ए सी के, एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी। देखिए तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल डी सी ए, डी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, ये वाला ट्रेंगल ले लिया। इस वाले ट्रेंगल में क्या बोल रहा है कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, बिल्कुल सही जवाब, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए। दस बाय द मिड पॉइंट थ्योरम एस आर इज पैरेलल टू। अब देखो भाई, इसके लिए थ्योरम पढ़े होगे, क्वाड्रिलेटरल के स्टार्टिंग करोगे, इसके बाद हम यही चैप्टर पढ़ा देते हैं क्योंकि आज हम सिलेबस इसका देखे हैं। तो सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वाड्रिलेटरल मतलब ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन 9th क्लास में आने वाला है, ठीक है। तो इसमें कुछ बोल नहीं रहा है, इसमें पहले क्या बोल रहा है, इसका कारण क्या बता दिया, इसका कारण बता दिया कि आर जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का और एस है जो मिड पॉइंट है ए डी का, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया आपस में, समझ गया ना, एस आर और कौन सा ए सी, समझ गए। और एक चीज क्या बताया, और क्या बताया, अगर मिड पॉइंट है तो एस आर इज इक्वल टू जो एस आर है, मतलब इस तरह का चीज अगर होगा, अगर इस तरह का चीज होगा ना, मतलब कि एगो क्वाड्रिलेटरल में इस तरह का दो गो मिड पॉइंट है ना और ये डायगोनल है, तो जो एस और आर को मिलाएंगे वो हाफ ऑफ ए सी के बराबर होगा ही। उसी तरह से अगर इस तरफ वाला दिया रहता तो पी क्यू जो होगा वो हाफ ऑफ ए सी के बराबर ये भी होता, समझ गया ना, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के बराबर होता, समझ गया ना। अब देखिए, ये भी हाफ ए सी, ये भी हाफ ए सी, ये दोनों आपस में बराबर, एस आर इक्वल टू पी क्यू भी होगा, समझ गया ना, सब मिड पॉइंट थ्योरम से ही आ रहा है, मतलब दूसरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। और ये एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें दो चीज आ गया, दो चीज क्या क्या आ गया, एक तो आ गया कि एस आर इज एस आर पैरेलल है ए सी के, अभी हम लोग प्रूव किए थे ना कि एस आर पैरेलल है ए सी के, उसी तरह से पी क्यू भी पैरेलल हो जाएगा ए सी के, समझ गया ना, जब ये दोनों आपस में पैरेलल थे, ये दोनों आपस में पैरेलल, एस आर पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, तीसरा चीज, और पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के बराबर है, तो ये चारों को मिला के क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। समझ में नहीं आया ना जी, या मिड पॉइंट थ्योरम समझना है, देखो
बोल रहा है क्वेश्चन में कि एबीसीडी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब एक चीज पहले लिख लो, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या, मान लो कि वो क्वाड्रिलेटरल है, उसका मिड पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, तो क्या क्या हो सकता है उसमें। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार क्या हो सकता है कि अगर एक पहले बना लीजिए इस तरह का, हम मान लो कि क्वाड्रिलेटरल इस तरह का बना लिए, ठीक है, ए बी सी डी, इसका मिड पॉइंट आर है, इसका मिड पॉइंट पी है, इसका मिड पॉइंट क्यू है, इसका मिड पॉइंट एस है, ठीक है। ये दोनों को आपस में मिला दिया गया, ठीक है, ये दोनों को आपस में मिला दिया गया, ये दोनों को आपस में मिला दिया गया, ये दोनों को आपस में मिला दिया गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार क्या होगा अगर इस तरह का मिड पॉइंट होगा और ये इसका एक डायगोनल खींच दिए ए सी, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, सबसे पहले तो एस आर पैरेलल होगा, मतलब एस और आर और यहाँ पी और क्यू को जो मिलाएंगे वो डायगोनल के पैरेलल होगा, तो एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी के और पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी के। अब इसको पहला चीज मान लीजिए और इसको दूसरा चीज मान लीजिए, तो ये दोनों मिला के क्या हो जा रहा है, एस आर पैरेलल आ जाएगा किसके, पी क्यू के, ये तीसरा चीज आ गया। अब तीसरा चीज आ गया तो यहाँ पे देखिए, अब मिड पॉइंट थ्योरम में अब ये भी एक आ जाएगा कि एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी होगा और पी क्यू भी जो है वो हाफ ऑफ ए सी होगा, तो तीसरा चीज यहाँ से एक और आ रहा है कि एस आर और पी क्यू आपस में बराबर होगा। तो ये तो पहले मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। अब ये चीज जिसको पता हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम, तो वो इसको लपेट देगा ऐसे ही, मतलब क्या कह रहा है, पहले ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, उसका मिड पॉइंट पी क्यू आर एस, समझ गया ना। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसको लाइन बाय लाइन फॉलो करते जाना है, बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में। समझे कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल आएगा, इसके बाद आएगा स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आएगा। चलो फिर से अब वहाँ चलो, क्वेश्चन बन गया ना जी। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा था एक और क्वेश्चन, व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें बता रहा है ना कि उसमें 40 गो में से 36 गो इंजीनियर का जो घर था वो 20 किलोमीटर से नजदीक ही था ऑफिस से, यही चीज इससे निष्कर्ष निकल रहा है, तो वो चीज भी लिख लेना है। नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ सर्टेन सिटी ऑफ ए मंथ ऑफ 30 डेज। ह्यूमिडिटी मतलब कितना नमी है, समझ गए ना, ह्यूमिडिटी मतलब कितना वेपर वेपर प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अब देखिए पहले 30 दिन का दिया हुआ है, ठीक है ना, सबसे पहले 30 दिन का दिया हुआ है, किसी दिन का ये, किसी दिन का ये, किसी दिन का ये, इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के जो देखते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 84.9 है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 99 कहीं हो रहा है क्या, 99 99 99 तो नहीं हो रहा है, तो 98.6 मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि 84.9 है, तो 84 और 100 के बीच में अगर ग्रुप वाला इस तरह से बनाया जाए तो हम इस डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ गए ना। तो वही चीज किया, तो 30 दिन का ये डाटा है तो यानी कि जोड़ के टोटल फ्रीक्वेंसी भी 30 आना चाहिए हमको, समझ गए ना। तो पहला क्या क्या बनाया, 84 से 86 बनाया, 86 से 88, 88 से 90, ये दो दो का चल रहा है, जरूरी नहीं है कि पाँच पाँच का, 90 से 92, 92 से 94, और एक चीज तुम इसमें देख ही चुके हो
कि जो हम लोग 86 यहाँ पे लिखते हैं तो 86 को काउंट नहीं करना है, 86 से कम वाला, इसमें 88 से कम वाला, इसमें 90 से कम वाला, इसमें 92 से कम वाला, इस तरह से इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को यहाँ पर सजा दिए। और 84 से 86 एक बार आया है, 86 से 88 एक बार आया है, कोई दो बार आया है, कोई 7 बार आया है ह्यूमिडिटी, तो उसको पहले टेबल बना देना है। तो पहला तो वही चीज़ हो गया कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, और दिया भी हुआ था कि इंटरवल इस तरह से लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट? तो एक चीज़ बता दीजिए, एयर में, एयर में हम क्या बताएं, वेपर या मॉइस्चर कब मौजूद होगा? देख रहे हो 98.6 तक हो रहा है, तो ये मतलब किस सीजन को रिप्रेजेंट करेगा? तो रेनी सीजन होगा, इतना ज्यादा मॉइस्चर किस सीजन में होता है रेनी? ये तो दिमाग वाला क्वेश्चन था। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा? तो रेंज, रेंज बताए थे ना भाई, रेंज क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम। देखिए अभी एक इसमें गड़बड़ा रहा था, 99.2 भी है, 99.2 भी है, देखो कहाँ पे है छुपा हुआ, डाटा को ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल है आँख से। 99.2 तुम लोग को दिख रहा है तो जल्दी वहाँ पे टिक करो, 99.2 है कहीं? हाँ यस, वेरी गुड, दिमागे नहीं काम करता है। तो 99.2 क्या करें, तो रेंज निकालने के लिए बताए थे कि मैक्सिमम में से क्या करेंगे, मिनिमम को घटा देंगे 84.9 को, तो आ गया कितना, 14.3 इसका रेंज आ गया। तो चलिए इस वाले को भी जल्दी से बनाइए, तो टेबल बनाओ, ये रेनी सीजन और ये रेंज, रेंज ऑफ डाटा। मम्मी को कै बजे से जाना है जी? आठ 45 में आना, ठीक है, उसके पहले ही क्लास खत्म हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी इसको बनाओ, उसके बाद चलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, एक सप्ताह का ही कम से कम है भाई टॉपिक, और 9th में तो उतना मतलब यूजफुल नहीं आ रहा है, लेकिन 10th में इसी तरह का रहेगा, बहुत सारा टेबल एबल बनाने के लिए, तो ये सब बेसिक है 9th में, 10th में इसका हार्ड हार्ड रहेगा थोड़ा। ले जाओ, चार्ज नहीं है लेकिन। जो कॉपी पर उतरा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन, ये सब तुम लोग बना के आते घर से, लेकिन तुम लोग बनाओगे नहीं, स्कूल में दूसरा चीज चल रहा होगा, कोचिंग में दूसरा चीज चल रहा होगा, तो कोई बनाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे एकदम अगर क्लास चलता है तो 40 मिनट में खत्म होता है एक दिन का कोर्स।
चलो आगे बढ़ते हैं भाई। खटखट खटखट छापना था खाली, और क्या। घर से फिर अपना मैथ का किताब में सबका होगा ना, उसका अपना क्वेश्चन फिर से बनाना। चलिए आगे बढ़िए। अब ये सब क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, इसी टाइप का सब है, ये हम नोट्स भेज दे रहे हैं इसको। देखो डाउट दो तरह का होता है, एक डाउट होता है जो देख के समझ में आ जाएगा, दूसरा डाउट होता है कि देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है। तो हमको लगता है कि ये वाला हम भेज देंगे तो समझ में आ ही जाएगा सब, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा ग्राफ ग्राफ के बारे में अध्ययन करना था, फिर से एनसीईआरटी वाला किताब खोलते हैं। देखो अब जो डाटा तुम लिए कलेक्ट किए, ठीक है, उसको तीन प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, ठीक है। अब तीनों को देखेंगे कि क्या होता है बार ग्राफ, क्या होता है हिस्टोग्राम और क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बार ग्राफ आ गया, ठीक है ना, बार ग्राफ आ गया तो सबसे पहले नंबर लाइन इसके लिए जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। देखिए क्या है बार ग्राफ, इन अर्लियर क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ, हियर वी शैल डिस्कस थ्रू मोर फॉर्मल अप्रोच। रिकॉल द बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्मली विड्थ आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन वन एक्सिस, एक्स एक्सिस, डिपेक्टिंग द वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर शोन इन द अदर एक्सिस से वाई एक्सिस। मतलब देखिए यहाँ से यहाँ इसका अगर तुम लोग लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, ये बार ग्राफ से लेके यहाँ तक इसका बार ग्राफ के बारे में लिख सकते हो, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। लेकिन एक्चुअल में क्या दिया हुआ है कि एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। इधर भी मान लो कि कैसे दिया हुआ था ना, कि मतलब जनवरी जनवरी में, जनवरी में मान लो कि सैलरी किसी को मिला 10,000, फरवरी में मिला 12,000, किसी में 5,000 कोई कमाया, मान लो कि उस चीज़ को हमको दर्शाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जनवरी फरवरी इस तरह से, मार्च अप्रैल मई, और इधर क्या करेंगे, इधर हजार में, मतलब इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे वाई एक्सिस की तरफ सैलरी इन के मतलब जानते हो ना, मतलब थाउजेंड, थाउजेंड में सैलरी, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से कर सकते हो। अब जनवरी में कोई 3,000 कमाया है तो उसको इस तरह से एक टेबल बना देना है, ठीक है। फरवरी में कोई 10,000 कमाया है तो उसको इस तरह से एक टेबल बना देना है, तो इसी चीज को हम लोग बार ग्राफ बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन ए पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट वेयर आस्क अबाउट द मंथ ऑफ दियर बर्थ एंड फॉलोइंग ग्राफ्स वार प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेंड नंबर ऑफ ए स्टूडेंट का। देखिए अब देखिए इसमें क्या है, तीन स्टूडेंट का जन्म जनवरी में हुआ था, चार स्टूडेंट का जन्म फरवरी में हुआ है, मार्च में दो स्टूडेंट का जन्म, अप्रैल में दो स्टूडेंट का जन्म, मई में पांच स्टूडेंट का जन्म, जून में एक स्टूडेंट का जन्म, जुलाई में दो स्टूडेंट का जन्म, अगस्त में छह स्टूडेंट का जन्म। ये समझ में आ रहा है ना ग्राफ कैसे कैसे दिया हुआ है। तो इस चीज को इस तरह, अगर कोई भी चीज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एक्चुअल में वो क्या दिया हुआ है, बार ग्राफ के रूप में दिया हुआ है। तो बार ग्राफ का डेफिनेशन भी लिखने के लिए लिख सकते हो, ये बार ग्राफ इज यहाँ से यहाँ तक, और एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख सकते हो, इसको एग्जाम्पल को लिख लो, बार ग्राफ हो जाएगा ये, एग्जाम्पल उतार लो, एग्जाम्पल 5। इस तरह में सजा के कोई डेटा दिया हुआ है तो समझिए वो बार ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसका यूज होगा, 9th में भी 10th में भी।
आता है बनाने तो मत उतारो। देखो फैमिली विथ ए मंथली इनकम ऑफ 20,000 हैज ए प्लान ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर द वेरियस हेड्स। अब क्या करना है, एक तरफ इसको ग्रोसरी आइटम में क्या है, ग्रोसरी रेंट एजुकेशन, एक एक्सिस में इसको रिप्रेजेंट कर दो, इधर कर दो ग्रोसरी रेंट इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। एक में क्या कर दो, कितना 1,000 रुपया खर्चा किया थी, दैट एक्सपेंडिचर इन 1,000 रुपीज, इधर वाई एक्सिस पे कर दो। और एक ग्राफ बना के जल्दी दिखाओ, चलिए इसका एक बार ग्राफ बना के दिखाइए जल्दी। इसका जल्दी से बनाओ, जल्दी से खुद से इसका बार ग्राफ ड्रॉ करो। ये क्या है, ये टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए। बढ़िया से ड्रॉ करो जी जल्दी तुम लोग। चलिए अब देखते हैं कैसे ड्रॉ हुआ। ऐसे ही ना हम भी बोले थे ड्रॉ करने के लिए, देखो कितना बढ़िया डिजाइन बना बना के लिखा है। तो बार ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, ये ड्रॉ हो गया क्या? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो छोड़ दो भाई, कैसे कि घर पे ड्रॉ करना ही 249 नंबर पेज में दिया हुआ होगा। नेक्स्ट हिस्टोग्राम क्या होता है, एक चीज यहाँ पे देखो, बार ग्राफ में क्या होता था, बार ग्राफ में देख रहे हो ग्रोसरी और रेंट के बीच व्हाइट वाला है, यहाँ पे स्पेस मतलब दिया हुआ है, इसको स्पेस अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो चीज क्या कहलाएगा, हिस्टोग्राम कहलाएगा। दिस इज द फॉर्म रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ बट इज यूज टू कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। फॉर इंस्टेंस मतलब क्या है कि इस वाले में हम लोग को बीच में गैप नहीं छोड़ना है, इसको ड्रॉ करते समय ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल चलेगा इसका, समझे कि नहीं। जैसे कि देखिए, इसमें दिया हुआ है ना, जैसे ये वाला टेबल दिया हुआ है पहले कि वेट इन केजी या नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, मतलब 9 स्टूडेंट का वेट इतना केजी, इतना से इतना के बीच 6 स्टूडेंट इतना, ये एक आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है और इसको आपको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया, तो सबसे पहले क्या किया, केजी वाले को इधर लिख दिया, 30 से 30, 35.5 से 40.5 से इस तरह का, समझे ना, मतलब बीच में लाइन नहीं छोड़ा गया है। और फिर कितना स्टूडेंट था, जैसे 30.5 से 35.5 में मान लो कि 9 स्टूडेंट था, तो देखिए 8 से ऊपर बढ़ा के लिया गया है, 9 तक इसको ड्रॉ कर दिया टेबल को। फिर किसी में 6 था तो 6 को ड्रॉ कर दिया, फिर किसी में 15 था तो 15 को ड्रॉ कर दिया। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बार ग्राफ टाइप से ही है, लेकिन बीच में कोई गैपिंग वैपिंग नहीं है।
ये वाला भी आता ही होगा, हिस्टोग्राम। आता है लेकिन कोई डेफिनेशन वगैरह पूछ देगा तो आएगा नहीं। चलो तो इसको HW में ड्रॉ करके लिया ना, 7 नंबर का, 7 नंबर का ड्रॉ करके लिया ना। ड्रॉ करके क्या है, तो एग्जाम्पल मतलब बना ही हुआ है, ये तो बना हुआ है, ये है। तो ये सब हम लोग देख लेंगे ना, मतलब इसका एक दिन और देखना पड़ेगा तब जाके इसका एक्सरसाइज हम लोग बना पाएंगे, ठीक ना। सब देखना पड़ेगा तब इसका एक्सरसाइज हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा इसका थ्योरी, देखो ये लास्ट वाला है, तो ठीक है आज का क्लास यहीं तक रहेगा, 40 मिनट समाप्ति पर आ गया, ठीक है ना। कल इसका देखते हैं, 7 दिन में इसको खत्म कर देंगे कोई भी हालत में। 2 दिन हुआ है, 3 4 दिन आउट चलने दो भी आराम से, उसके बाद फिर ज्योमेट्री में कूदेंगे। चलो तो